सब्सक्राइब कीजिए पेट्स प्लाजा चैनल को, उसके साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट डॉग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त आज का होस्ट करण प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पेट्स प्लाजा। आज मैं वेलकम करता हूं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड। नंबर 10 पे जो डॉग है फ्रेंड वो है इंग्लिश मैस्टिफ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड और बहुत बल्की सा लार्ज साइज का डॉग ब्रीड होता है फ्रेंड। बहुत सारे फ्रेंड इसे जानते हैं, बहुत सारे फ्रेंड इसे नहीं जानते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बुल मैस्टिफ की तरह होता है, तो बहुत सारे फ्रेंड बुल मैस्टिफ समझ लेते हैं, बट ये बुल मैस्टिफ से काफ़ी साइज में काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी हेल्थ इसका बहुत होता है। इनका कुछ कुछ जो डॉग होते हैं मेल्स डॉग होते हैं वो 100 किलो के प्लस चले जाते हैं, और इनका यदि इंडिया में प्राइस की बात की जाए तो 50,000 से लेके 1,00,000 तक आपको एक अच्छा इंग्लिश मैस्टिव अच्छे ब्लड लाइन के लिए आपको मिल जाएगा। ये डिफरेंट 2-3 कोट कलर में भी पाए जाते हैं, लाइट शेड में, डार्क शेड में, एक वाइटिस में पाया जाता है फ्रेंड, तो बहुत सारे कोट कलर में बहुत अच्छा। यदि आपका छोटा अपार्टमेंट घर है तो आप ये डॉग आपके लिए नहीं है फ्रेंड। नंबर 9 पे जो डॉग ब्रीड है वो है इंग्लिश बुलडॉग, जो बहुत सारे फ्रेंड जानते हैं। स्पेशली गर्ल्स को ये डॉग काफ़ी पसंद होता है। जो फ्रेंड ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो ये डॉग उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये डॉग ब्रीड ना बेसी बार्क करता है, ना इनका कोई बहुत ज़्यादा इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करते हैं, अपने घर पर रहना बहुत पसंद करते हैं। ये भी एक लेज़ी टाइप ऑफ डॉग ब्रीड होता है, जो कि घर पे रहना, सोना, खाना पीना, खाली सोना, इस टाइप का शेड्यूल में या इस टाइप का रूटीन इनको काफ़ी पसंद आता है। यदि इंडिया में इनकी प्राइस की बात की जाए तो 80,000 से आपको स्टार्टिंग हो जाएगा। फीमेल मेल का प्राइस इस डॉग ब्रीड में मेल का प्राइस कम होता है फीमेल के अकॉर्डिंग, फीमेल का 1,00,000 से स्टार्टिंग हो जाता, 1,50,000 तक ये चला जाता है फ्रेंड। ये जो डॉग ब्रीड होता है बहुत रेयर किसी के घर पे आप देखो, क्योंकि इनका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी होता है, जो नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छे से रहता है अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बहुत स्पेशली बच्चों के साथ बहुत प्यार से खेल कूद के रहता है फ्रेंड। नंबर 8 पे जो डॉग ब्रीड है वो है लोचेन, जो कि बहुत अनकॉमन ब्रीड है। स्पेशली इस डॉग के बारे में मुझे भी बहुत अच्छा नॉलेज नहीं था स्टार्टिंग में, तो मैंने इसके बारे में रिसर्च किया फ्रेंड। ये जो डॉग ब्रीड है आप देख सकते हो पूरा लासा के तरह लगता है फ्रेंड। इनका जो हाइट होता है वो 12 इंचेस तक होता है मेल का, ठीक है, और फीमेल का 8 इंचेस तक होता है, और ये बहुत क्यूट सा क्यूटी पाई सा डॉग ब्रीड होता है। इसका जो फ्लफी सा हेयर होता है, जैसे लासा का आप कलर देखते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, तो उसमें ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के साथ आप मिल जाता है, पूरे लासा का तरह लगता है, बट लासा से कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा है। ये अनकॉमन ब्रीड है, बहुत कम ब्रीडर आपको इंडिया में मिलेंगे स्पेशली, तो इनका जो प्राइस होता है वो है 18,000 से स्टार्ट हो जाता है, 1,60,000 के आसपास आपको एक अच्छा लो चेन का पपीज़ या डॉग आपको मिल जाएगा फ्रेंड, बहुत अच्छा रीजनेबल रेट में, और बहुत अच्छे फैमिली गार्ड फैमिली के साथ होता है, वॉच डॉग होता है फ्रेंड, अच्छा बार्क करना जानते हैं ये। नंबर 7 पे है बोरबेल्स, इसे एक अफ्रीकन मैस्टिव के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड। ये एक बहुत मस्कुलर डॉग ब्रीड है जिसे गार्डिंग पर्पस के लिए रखा जाता है। इनका जो मेल का जो बॉडी वेट होता है वो 50 to 60 kg के आसपास का होता है, जो कि डिफरेंट कलर में आपको मिल जाते हैं, ब्लैक में या ब्राउन में, लाइट ब्राउन में या ब्रिंडल कलर में भी आपको मिल जाता है फ्रेंड। इनका जो टेल होता है ये डॉगरमैन के जैसे टेल आप देखते हो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी क्रॉप डकिंग किया जाता है फ्रेंड, तो ये बहुत अच्छा एक गार्ड पर्पस के लिए रख सकते हो, बहुत अच्छा गार्ड डॉग होता है, दूसरे डॉग के साथ भी बहुत इजीली बहुत आराम से रह सकता है। आपके पास घर बहुत काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छे स्पेस है, तो आप ये डॉग आराम से रख सकते हो फ्रेंड। यदि आपकी इनकी प्राइस की बात की जाए तो 1,00,000 से लेके 2,00,000 तक आपको एक अच्छा डॉग अच्छा ब्रीड आपको मिल जाएगा फ्रेंड, जो कि इंडिया अफ्रीकन स्टैंडर्ड के हिसाब से फ्रेंड। नंबर 6 पे जो डॉग दिखाने वाला हूँ फ्रेंड वो है फड़वा हाउंड, जो कि एक हाउंड ग्रुप ऑफ डॉग ब्रीड है फ्रेंड। यदि ये बहुत प्राचीन काल से ये डॉग ब्रीड है फ्रेंड, बहुत ओल्डेस्ट डॉग ब्रीड है, जिसे 90s के दशक में इसे ब्रीड किया गया था। बहुत रेयर डॉग ब्रीड है फ्रेंड, बहुत कम लोगों के पास ऐसा डॉग ब्रीड है, जो कि आप हॉलीवुड का कोई भी मूवी देखोगे, जो कि ओल्डेस्ट मूवीज़ होते हैं, जो कि
मम्मीज के बारे में, तो उस डॉग उसमें आप ये डॉग ब्रीड का पिक्चर देख सकते हो, जैसे कि वॉल में ड्राइंग किया जाता है उस टाइप के पिक्चर देख सकते हो, मूर्ति देख सकते हो, तो उस टाइप के ये डॉग ब्रीड वहाँ पर यूज़ किए जाते थे। और ये स्पेशली गाड़ी हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, बहुत सारे फ्रेंड इसे हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, रैबिट के हंटिंग के लिए। तो बहुत अच्छा कमाल का डॉग ब्रीड है फ्रेंड, बहुत रेयर है। इनका जो प्राइस होता है वो है 2 लाख से लेके 2.5 लाख तक आपको एक अच्छा डॉग ब्रीड आपको मिल जाएगा फ्रेंड। नंबर 5 पे जो डॉग ब्रीड दिखाने वाला हूँ मैं फ्रेंड, वो अजवाहा का, जो कि बहुत रेयर डॉग ब्रीड है फ्रेंड, बहुत टॉलेस्ट डॉग ब्रीड है। एक हंटिंग के लिए या रनिंग के लिए आप इसे बोल सकते हैं। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बहुत अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, लीन बॉडी होती है, रनिंग के लिए स्पेशली इसे बनाया गया है। और ये वेस्ट अफ्रीका से बिलोंग करता है, इसका जो ब्रीड है वो वेस्ट अफ्रीका से बिलोंग करता है फ्रेंड। यदि इसकी प्राइस की बात की जाए तो 2 लाख से लेके 3 लाख तक आपको ये डॉग ब्रीड इंडिया में मिल जाएगा। बट आपको थोड़ी परेशानी होगी इस डॉग ब्रीड ख़रीदने के लिए, क्योंकि इनका जो ब्रीडर है वो बहुत रेयर है, आपको स्पेशली इनका ब्रीडर कहीं मिलेगा नहीं, आपको बहुत सारे रिसर्च सर्च करके इनको बाई करना पड़ेगा फ्रेंड। एक हाउंड टाइप का डॉग ब्रीड जैसा लग रहा है दिखने में, और ये फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे से बहुत प्यार से रह जाता है, बहुत अच्छे फैमिली डॉग भी बन सकते हैं, और रनिंग के स्पेशली रनिंग के लिए भी बहुत अच्छे डॉग ब्रीड है फ्रेंड। नंबर 4 पे जो डॉग ब्रीड है वो है अफगान हाउंड, जो कि अफगान से बिलोंग करता है। बहुत अच्छा एक हाउंड टाइप ऑफ डॉग ब्रीड है, जो बहुत अच्छे बालों के साथ, बहुत अच्छे हेयर के साथ ये अफगान में रहता है फ्रेंड। बहुत कॉस्टली डॉग ब्रीड है, जो कि आप इजीली आप कहीं नहीं देखोगे। यदि आपको फॉरेन में कहीं आप जा रहे हो डॉग शो में, तो वहाँ पर एक दो आपको डॉग ब्रीड, इस टाइप का डॉग ब्रीड आपको मिल जाएगा स्पेशली। तो इनका जो प्राइस होता है वो है 3 लाख से लेके 5 लाख तक आपको मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ, डिफरेंट डिफरेंट कोट के साथ। इनका जो हाइट होता है वो भी जैसे कि हाउंड डॉग ब्रीड का हाइट होता है वैसे बहुत अच्छा हाइट स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। और इनको कोट मेंटेनेंस करना पड़ता है, बहुत अच्छे से आप रख रखाव करना पड़ेगा, डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि ईजिली आप इंडिया में नहीं मिलता है। बट आप यदि इसे बाहर से मंगवाना चाहते हो, अफगान से स्पेशली, तो आपको इतना प्राइस दे के आपको मंगवाना पड़ेगा फ्रेंड, जो कि फैमिली के साथ और अपने ओनर के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना सकता है फ्रेंड। नंबर 3 पे है अलास्कन मैलाम्यूट, जो कि बहुत सारे फ्रेंड कंफ्यूज हो जाते हैं इस डॉग ब्रीड को देख के कि ये हस्की है या अलास्कन है। तो ये एक, जब आप कोई भी हस्की या अलास्कन को डिफरेंट करोगे, तो अलास्कन मैलाम्यूट हस्की से डबल साइज़ में होता है फ्रेंड। इनका जो कोट होता है वो भी हस्की से बड़ा होता है, साइज़ में बड़ा होता है, इनका कोट साइज़ भी बड़ा होता है, और इनका बहुत फ्लफी सा होता है। हस्की का वेट आपको 35 से 40 किलो तक लास्ट जाता है, बट इनका वेट होता है 50-60 किलो के आसपास चला जाता है। यदि आपको एक अलास्कन मैलाम्यूट का बच्चा चाहिए, पपीज चाहिए, जो कि बहुत रेयर होता है इंडिया में, एक से दो ही ब्रीडर है, जो आपको नेट में सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएंगे फ्रेंड। तो इनका जो प्राइस होता है वो 3 लाख से लेके 6 लाख तक आपको एक अच्छा अलास्कन मैलाम्यूट का पपीज मिल जाएगा इंडिया में, आप यदि बाहर से सर्बिया से या ठंडे कंट्री से इंपोर्ट करवाओगे तो फ्रेंड। नंबर 2 पे है कोरियन मैस्टिव, इन्हें बहुत सारे डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, ढोसा मैस्टिव या कोरियन मैस्टिव या कोरियन ढोसा, इस टाइप के नाम से जानते हैं फ्रेंड। अपने यदि न्यूज़ में आप एक्टिव हो फ्रेंड, तो कुछ समय आगे एक बैंगलोर के एक पर्सन ने इस डॉग को बाहर से मंगवाया था, जो कि उनका जो प्राइस पड़ा था 1 करोड़ रुपीज़ एक बच्चे का, जो कि उन्होंने दो मंगवाया था, एक मेल एक फीमेल। तो ये इनका जो स्पेशली है, इनका प्राइस इतना हाई होता है क्योंकि इनका जो स्किन आप देख सकते हो काफ़ी लूज स्किन है इनका, यदि बैक का स्किन फेस तक आ जाता है इतना लूज होता है फ्रेंड। और बहुत हाई मेंटेनेंस डॉग ब्रीड है, बहुत कॉस्टली डॉग ब्रीड है, क्योंकि इनका जो ब्रीडर होता है वो आप पूरे वर्ल्ड में एक से दो ही ब्रीडर मिलेंगे इस डॉग ब्रीड के, इसलिए इनका प्राइस काफ़ी हाई हो जाता है। और ये आप नेट में सर्च मार सकते हो, जाके देख सकते हो कि वो जो पर्सन ने मंगवाया है उनका नाम सतीश है, वो बेंगलोर में रहते हैं, वो ये कुछ 2 साल आगे इस डॉग को बाहर से लेके आए थे अपने घर पे, जो कि एक अच्छे रेपुटेड ब्रीडर है, बहुत अच्छे
पर्सन भी है फ्रेंड। तो ये ब्रीड आपको वहाँ से मंगवाया गया था कि बहुत रेयर, बहुत इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, बहुत बल्कि सा होता है, इनका जो डाइट मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो काफ़ी अलग होते हैं दूसरे डॉग से, क्योंकि इनको इन स्किन को मेंटेन करके रखना पड़ता है, स्किन को अच्छे से रखना पड़ता है फ्रेंड। तो जो डॉग मैं आपको नंबर वन पे दिखाने वाला हूँ वो आप शॉक्ड हो जाओगे, ये है त्रिबेतियन मैस्टिफ फ्रेंड, जो कि नंबर वन पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो इनका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है और वर्ल्ड में सबसे कॉस्टली ब्रीड में ये एक है फ्रेंड। ठीक है, तो इनका जो चाइना के एक पर्सन है जो कि इनका उन्होंने एक बाई किया था एक डॉग जो कि 14.70 करोड़ में बाई किया था फ्रेंड। स्पेशली त्रिबेतियन मैस्टिफ जो कि रेड कलर का होता है, ऐसा माना जाता है फ्रेंड यदि दो या एक त्रिबेतियन मैस्टिफ हो तो लायन को भी वो मार सकते हैं, बट ये कहाँ तक सच है वो जब तक मुकाबला नहीं होगा तब तक नहीं जान सकते हैं। बट उन वो चाइना के जो पर्सन थे वो उन्होंने डॉग बाई किया था 14.70 करोड़ में, तो ये एक सच बात है फ्रेंड, क्योंकि उनका जो ब्रीडर था वो डॉग का जो ब्रीडर था उसने कहा गया था, उसने कहा था कि ये जो डॉग है इसमें लायन का ब्लड है जो कि बहुत रेयर है और नॉर्मल त्रिबेतियन मैस्टिफ से उनका हाइट और वेट भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है फ्रेंड। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अलग न्यू वीडियो के साथ।